हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद विद्या एंड मिक्की में आपका स्वागत है। तो मैं आज आपके लिए नई रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, तो चलिए चलते स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा मलाई रोल जो बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। तो ये देख सकते हैं कि कितना प्यारा लग रहा है और इसमें कोई झंझट है ही नहीं, आप इसे फटाफट बना सकते हैं। और अगर आपके घर कोई गेस्ट आ रहा है तो आप इसे तुरंत बना सकते हैं। आप इसे राबड़ी को बना लो और खोआ बना के रख लो और ब्रेड में रोल करके इसे देना है। ये जो रेसिपी है बहुत ही आसान है और बहुत मैंने झटपट बताया आपको। तो चलिए मैं इसकी रेसिपी अब शेयर कर रही हूँ। हाँ, लेकिन उससे पहले मैं ये बोल दूँ कि देखिए, जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर दो, ताकि मैं इसी तरह आसान सी रेसिपी लेके आती रहूँ। और ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कट करके कि इसका बीच का जो टेक्सचर है कितना प्यारा आएगा। ये पूरी मलाई रोल जैसी दिखेगी आपको, ये देख सकते हैं। ये देखिए, घुली हुई हमारी मलाई रोल, आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। तो चलिए मैं इसे स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए हम रबड़ी की तैयारी करते हैं। अब हमें रबड़ी बनाने के लिए हमें कढ़ाई लेंगे और 2 स्पून हमें कॉर्नफ्लोर देना है। गैस को पहले ऑन ना करें। और इसमें हम मिल्क पाउडर डाल दें 3 चम्मच और इसके बाद इसे इस तरह मिक्स कर लें। ये देखिए, इस तरह मिक्स कर ले पहले, उसके बाद कॉर्नफ्लोर और दूध पाउडर को। अब इसमें हम दूध डालेंगे, 1/2 लीटर मैं दूध डालूंगी इसमें। तो ये देखिए, 1/2 लीटर दूध मैं डाल रही हूँ उसमें, 1 कटोरी और जाएगा। ये हमारा 1/2 लीटर दूध हो गया। अब इसे अच्छे से हम मिला लेंगे, इसमें लम्स नहीं होना चाहिए, लम्स ख़त्म हो जाएगा तब हम जाके गैस को ऑन करेंगे। तो ये देखिए, हम लोगों ने गैस को ऑन कर दिया है। अब हम इसे गाढ़ा तक बनाना है, जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए तो राबड़ी हमारा तैयार होगा। इसी तरह आप इसे चलाते रहें, आपको ज़रूरत नहीं है खड़ा होके बनाने का, बस आप इसे बीच बीच में चलाते रहें। तो ये देखिए, इस तरह हमें बीच बीच में इसे चलाते रहना है। और इसे देखिए, इसका किनारे वाला जो होता है, ये जो इसे आप इसे हटाते जाएं, और यही हमारा राबड़ी जब बनेगा तो यही हमारा ज़्यादा अच्छा इसका टेक्सचर आएगा और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो अभी और थोड़ा सा हमारा होना बाकी है। देखिए, अभी थोड़ा सा इस तरह का हुआ है, तो अभी और थोड़ा सा होगा। तो ये देखिए, इस तरह का अगर जब हमारा हो जाए राबड़ी, तो अब इसमें मैंने केसर को थोड़ी सी गर्म दूध में, देखिए मैंने 2-4 केसर के धागे दिए थे। अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप फूड कलर भी दे सकते हैं, और इसे दे दें। और ये देखिए, केसर अपना कलर कितना अच्छा प्यारा छोड़ा है। और अब इसमें हम डालेंगे पिसी हुई इलायची और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स और पिसी हुई चीनी। पिसी हुई चीनी आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। मैंने इसमें 3 चम्मच पिसी हुई चीनी दिया। अब इसे हम कर लेंगे मिक्स और देख सकते हैं कितना प्यारा हमारा राबड़ी एकदम बनके तैयार है। तो इस तरह का हमें, और थोड़ा सा चीनी को भी घुल जाने दें, और उसके बाद क्योंकि जब चीनी पड़ता है तो वो थोड़ा सा पानी छोड़ता है, तो इसे थोड़ा सा और थिकनेस होने दें, उसके बाद हमारा राबड़ी बनके तैयार है। तो ये देखिए, अब राबड़ी हमारा एकदम बनके तैयार है। तो अब हम गैस को बंद करेंगे ऑफ, अब हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो चलिए, जो आगे की हमने है रखा है उसे हम कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमने राबड़ी तो बना लिया मलाई रोल के लिए। अब हमें क्या करना है, ब्रेड लेंगे इस तरह और ये स्लाइस काट लेंगे इस तरह चारों तरफ से इसका। ये देखिए, मैंने चाकू से भी काटा और कैंची से भी आप इस तरह कट कर सकते हैं। कैंची से बहुत ज़्यादा आसान होता है, फटाफट कट जाता है। ये देखिए, मैंने सबको कट कर लिया। अब हमें क्या करना है, एक ब्रेड लेंगे और इसे अच्छे से
प्रेस करके एकदम अच्छे से इसे बेल लेना है, एकदम पतला। ये देखिए इस तरह हमें पूरी तरह चारों तरफ से हमें बेलना है। देखिए इस तरह हमने पतला बेल लिया है, देखिए इसका किनारी इस तरह हमें पतला होना चाहिए। तो अब चलिए मैं इस पर स्टफिंग करती हूँ। तो मैंने खोआ बना लिया था पहले से घर में, आप चाहे तो मिल्क पाउडर का भी खोआ बनाएं और दूध का भी बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने खोआ बना लिया है दूध का। तो अब इस तरह हम थोड़ा सा लेंगे और इसके ऊपर इस तरह रख देंगे। तो ये देखिए हमने मलाई इस तरह बैठा लिया है को, और इस तरह हमें फोल्ड करना है और थोड़ा सा हमें पानी या आप दूध लगा दें। और ये देखिए वहाँ पे थोड़ा सा इस तरह हमें बैठा लेना है। आराम से ये हो जाता है, देखिए रोल बनके हमारा एकदम तैयार है। तो इसी तरह हम सारा रोल बना लेंगे। तो ये देखिए हमने सारा रोल बना लिया है। अब हमें इसमें राबड़ी डालना है, इस तरह हम सब पे राबड़ी डाल देंगे। तो ये देखिए ना मैंने सारा राबड़ी इसमें डाल दिया है। अब मैं इसे थोड़ा सा गार्निश करूँगी, थोड़ा सा मैं ड्राई फ्रूट्स दे देती हूँ। ये ऑप्शनल है, आप दे या ना दे, लेकिन थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में। तो ये देखिए हमारा मलाई रोल कितना बेहतरीन सच के तैयार हुआ है और बहुत ही प्यारा लगेगा खाने में। आप एक बार ज़रूर ट्राई करो। और इसमें कोई झंझट नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें कोई झंझट नहीं है। आप मलाई रबड़ी बना के रख लो, खोआ भी बना के रख लो और ब्रेड में इसे रोल करके सर्व कर ले। और बहुत जल्दी जब भी कोई गेस्ट आए तो आप आराम से इसे दे सकते हैं। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो थैंक यू।